सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी और विवेचकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सामाजिक परिस्थितियों में बालकों की देखरेख के प्रावधान के बारे में भी बताया गया। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा बालकों के ऊपर होने वाले अपराध और बालकों के द्वारा किए जाने वाले अपराध के प्रावधान की जानकारी दी गई और इसे विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं एएसपी अनिल सोनकर ने अधिनियम के संबंध में विशेष प्रावधान के बारे में बताया। प्रशिक्षक के रूप में IDPO महेंद्र गौतम, CWC अध्यक्ष सुरेश मणि तिवारी, CSP विंध्यनगर देवेश कुमार पाठक, उप पुलिस अधीक्षक महिला प्रकोष्ठ प्रियंका पांडे सहित कई अधिकारियों द्वारा जुबेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में बताया गया। जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के नवीन प्रावधानों के संबंध में ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें सिंगरौली जिले के जितने भी पुलिस के थाने हैं सभी थानों में जुवेनाइल जस्टिस के प्रावधानों का पालन करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक थाने में एक ASI रैंक के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।